स्वागत है फैन गोलू फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ भले होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी सुबह हो रही है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह देख सकते हैं क्या हुआ कि हम लोग का 5:30 बजे का गाड़ी आने वाला है। देखिए बच्चा लोग देखिए सबको तैयार हो गया है, गाड़ी भी आ गया। देखिए ब्लॉग बनाते बनाते गाड़ी आ गया, हम लोग का गाड़ी भी आ गया, बात करते करते गाड़ी आ गया। देखिए चलिए दोस्तों हम इसको पहुँचाने के लिए जा रहे हैं सानवी को। चलो सानवी चलो 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 ये देखिए हम सानवी को लेके जा रहे हैं। आधे बच्चे पहले ही चल गए हैं, ऑटो लगा हुआ है। ये देखिए इसको गोदी ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा इसको उठा के। गोदी ये ले लिए हम, इसको जल्दी जाएगी कम से कम। देखिए अरे गाड़ी रेडी है वहाँ पे। देखिए सानवी को हम गोदी ले लेंगे क्या सानवी? तो इधर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का रोड का हाल पूरा महुआ गिरा हुआ है, और देखिए हम लोग का गाड़ी लगा हुआ है। तो देखिए सभी बच्चे यहाँ पे चढ़ गए हैं और ड्राइवर जी अब निकलेंगे। यहाँ पे टेम्पू आता है दोस्तों हम लोग के गांव में ले जाने के लिए। देखिए 3 वही बच्चे और बच्चे भी नहीं हैं। देखिए गाड़ी अब खुलने लगी है, सानवी को बाय बाय बोल दिए हम, अब चलते हैं। हम रिटर्न आ रहे हैं अभी। ये देखिए बोलो, इधर देखिए गले बैठे क्या कर, देख सकते हैं। ये देखिए बकरी सब लोग का इधर गोलू के हम बांध रही है। चलिए दोस्तों हम भी बांध देते हैं। इधर दोस्तों हम लोग का बांधा हुआ हो गया, गोलू बेटा को घर ले जाते हैं। ये देखिए सारा बकरी बांध दिए हैं। चलिए हम लोग घर भी घुस गए। तो क्या बना दोस्तों आज हम लोग का गाड़ी बोलते अरे गाड़ी बड़ी जल्दी आ गया जी, 5:30। देखिए ना अभी 5:30 बजा है, मतलब 5 मिनट पहले ही आ गया। चलिए कोई 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में भी होता है। और इधर खाना मतलब खाना बनाने की तैयारी हो रहा है। इधर देखिए हम लोग का झींगा का सब्जी बनने वाला है कि गोलू की माँ काट रही है। वो देखिए कुंदरी भी अगर है, गोलू बेटा खेल रहा है आराम से। देखिए तो दोस्तों आज क्या हुआ ना, आज हम स्कूल जाएंगे सानवी नहीं गोलू, आज हम सानवी बेटी के स्कूल जाएंगे। थोड़ा मोड़ा दिक्कतें आ गई है, इसीलिए सानवी बेटी का आज स्कूल जाएंगे और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। सानवी बेटी बोरी थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसका होमवर्क वगैरह में दिक्कत होता है, इसे जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह जो काम काज है वो काम काज हम लोग लगे हुए हैं अपना। और गोलू बेटा को देख सकते हैं मस्त टाइप से देख रहा है किसे तुम क्या क्या लगा क्या खोज रहा है क्या रोटी खाएगा? देखिए रोटी खोज रहा है, हम लोग घर में रोटी बना नहीं है, रात को इसको बिस्कुट दे के बुलाना पड़ेगा। देख रहे हैं फाइट मारने खोजता है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पे आप लोग इसी तरह से हमेशा मन के रहिए। आज हम स्कूल जाएंगे तो आज आप लोग स्कूल भी दिखाएंगे, सानवी बेटी कहाँ पे बैठ रही है कहाँ पे नहीं। तो फिलहाल दोस्तों हम आ गए सानवी बेटी के स्कूल में। ये स्कूल का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, इसी स्कूल में एडमिशन कराए हैं। तो दोस्तों हम स्कूल जा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं सानवी का बुक भी ले लेंगे। थोड़ा सा दिक्कतें आ गई सानवी के साथ, वही टीचर के साथ मिलकर थोड़ा सॉल्व करना है। और कुछ दोस्तों स्कूल का नज़ारा इस तरह से है, देखिए सारे साइकिलें लगी हुई है, एकदम मस्त टाइप से लाइन लगी हुई है। ये देखिए ऑफिस वगैरह उधर भी है, और ये देखिए यहाँ सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम निकलेंगे जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से जाते हैं बुक खरीद लेते हैं अपना। ये देखिए दोस्तों ये सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, सानवी ऊपर में रहती है, ऊपर में पढ़ाई करती है। और ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं हम अभी, ये 1 क्लास है, ये होगा ये नर्सरी क्लास यहाँ पे है, यहाँ पे नर्सरी क्लास है। ये देखिए सानवी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, देख सकते हैं सानवी और डीजे वाला बच्चे और सारे बच्चे यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आके मैम से मिलते हैं फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं सर के पास और देखते हैं सर क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब क्या डिस्काउंट दे रहे हैं क्या नहीं। ये देखिए सर जी पानी पी रहे हैं मस्त टाइप से, ठंडा ठंडा बिल्कुल पानी पीने लगे हैं। तो हम नर्सरी का बुक लेने के लिए आए हैं, तो वही पता करते हैं कितना लग, उस दिन तो पता हालांकि करके गए थे फिर भी भूल उठ गए हैं, तो फिर से पूछते हैं क्या सर कितना लग रहा है? 1000 रहेगा आपका डिस्काउंट रहेगा। 1000 ना, चलिए गरीब आदमी के लिए 100 रुपया डिस्काउंट भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। काहे कि आप कितना बोला थे उस टाइम? सारे किताबें यहाँ पे रखी हुई है और अच्छा कीमत में भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ देखिए सजा के किस तरह से रखे हुए हैं,
ये देखिए, ये मेरा नर्सरी का बुक निकल गया है। ये देखिए कैलकुलेशन हो रहा है बुक का मेरा अभी। 740 रुपया हुआ दोस्तों। ये देखिए कैलकुलेशन हो के मेरा 740 रुपया आया। तो बताइए आप कितना में दे रहे हैं हमको, मतलब क्या डिस्काउंट मार रहे हैं इसमें? 700 आपका हो रहा है, 820 आप 700 कुछ और नहीं, 10% नहीं कीजिएगा? 10% ज़्यादा कह दिए आप, मीडियम व्यू बहुत अच्छा। हाँ, सो फाइनली दोस्तों हम बुक ले लिए हैं। ये देखिए दो बुक है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब होता नहीं है हम लोग के टाइम, क्या होता था कि हम लोग 600-700 रुपये में पूरा मतलब क्लास का ही बुक पढ़ लेते थे। क्या कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, ये प्राइवेट स्कूल है, कोशिश कर रहे हैं कि शामली को अच्छा स्कूल में पढ़ा सके। तो ये दो बुक का ही स्पेशल मेरा 700 रुपये पड़ गया और हम लोग का 700 रुपये में पूरा बुक आ जाता था। क्या अभी महंगाई बढ़ चुकी है, अब कहना मुश्किल है। तो चलिए अभी शामली से आप लोग को तो दिखाएं, शामली से मिलाते हैं, उसकी थोड़ा सा मैम से मतलब होता नहीं, थोड़ा मोड़ा दिक्कतें आ गई है, वो थोड़ा सॉल्व कर देंगे सर अभी, क्या सर? तो चलिए अभी शानवी प्रिया, ये देखिए आगे बैठिए, शानवी प्रिया, शानवी प्रिया भाई यहाँ बैठिए, ये रहा शानवी प्रिया, ये हाँ। चलिए इधर का हम लोग का इशू थोड़ा सा सॉल्व हो गया है सर, आप लोग को दिखा दी, थोड़ा सॉल्व हो गया। देखिए बच्चे आराम से बातें करें, मैडम जी भी टास्क दे रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सारे बच्चे यहाँ पे हैं और शानवी मेरी बेटी यहाँ पे देखिए फर्स्ट बच्चे बैठी है बीच में, और गोलू मोली सारे बच्चे भी हैं, और देखिए बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे पढ़ाने का तरीका है, सिटी पूरा मतलब होता है सब सारा कुछ लगा हुआ, और उधर देख सकते हैं उधर ए बी सी डी भी लगा हुआ है, रोमान पी भी लगा हुआ है। तो मैम आप ही पढ़ाते हैं ना? हाँ क्या हुआ? हाँ किताब सब लेगी? अच्छा मैम नाम लिख देगी, नाम मैम को नाम लिखने बोलते, मैम नाम लिख दीजिए तो बुक में, ताकि इधर उधर ना हो जाए। ये देखिए मैम को नाम लिखने के लिए दे दिए हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम अब निकलने वाले हैं, सारा काम मेरा हो चुका है, अब जा रहे हैं घर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। और देखते हैं और घर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना होता नहीं है और क्लासरूम में अलाव नहीं था, हमको जो जो जानकारी लेना था आप लोग को उतना दिखा नहीं पाए, क्योंकि वो सर बोले कि थोड़ा मोड़ा बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं घर। तो दोस्तों आ गए हम मतलब शानवी के स्कूल से घर आ गए हैं, और ये देखिए देखिए क्या कर रहा है, इसको ला दें बिस्कुट का, ठीक रहा, देखिए सर पिलाए खरीद के, इसमें एक गिलास फ्री मिला, देखिए ये वाला गिलास फ्री मिला है। और ये शानवी के लिए सूजी ला दिए हैं, 10 रुपये वाला सूजी, और ये गोलू बेटा क्या दिखा दे रहा है, निर्मा कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई मम्मी, मम्मी कहाँ गई, अभी बोलने नहीं जानता है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, काफ़ी धूप हो गया, थोड़ा आराम वराम भी करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया हम लोग का। इधर दोस्तों मेरे शानवी बेटी आ गई है, आगे के गोलू बेटा के लिए काला दिया है बिस्किट, ला नहीं दिया क्या हुआ कि घर में ही था, वही वाला बिस्कुट इसको दे दिया। और शानवी बेटी अपना ड्रेस खोल रही है, फिर हम इसको ड्रेस खोल देते, उसकी मम्मी घर में नहीं है, कुछ काम के लिए बाहर गई है। शानवी क्या आज स्कूल गए थे तुम, देखिए हमको, हाँ देखिए डीजू मेरे पास था, मतलब बता रही है कि वो बच्चा था ना के साथ, हेलो फ्रेंड बोल दो मुंह से बोलो, देखिए गोलू गोलू फ्रेंड बोलने लगे, देखिए। तो चलिए दोस्तों अभी तंग कर रहा है गोलू बेटा, मोबाइल खोज रहा है, देखते मोबाइल लेने खोजता है, तो अभी हम सानी बेटी को सब कुछ खाना पीना खिलाते हैं। तो दोस्तों गोलू की माँ आ गई है, देखिए चावल लेके, चावल खरीदना पड़ा हम लोग के घर का, चावल खत्म हो गया, ये हम उतार दे रहे हैं, पकड़िए जी अच्छा, ये देखिए दोस्तों उतार दिए हैं, कितना है जी, 30 किलो है। ये देखिए गोलू बेटा कहाँ चढ़ गया हम लोग का, देखिए 30 किलो यार, मूड नहीं बांधे हैं, कैसा चावल है दोस्तों, कोटा वाला चावल खरीदे हैं हम लोग, मतलब थोड़ा मोड़ा थोड़ा सस्ता मिलता है बस्ती में भी, मतलब बगल के मतलब हम लोग के बस्ती में मिलता है, तो वहीं से खरीदे हैं, तो चावल तो बढ़िया है। अब जैसा खाना है गुलबड़ी फेंक दे रहे, देखिए कितना गिरा दिया तुरंत, चलिए बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, हम लोग का पूरा चावल खत्म हो गया था, तो चलिए चावल भी आ गया हम लोग का, चलिए पकड़िए, चलिए पकड़ के घुसा देते हैं, अंधेरा अंधेरा पूरा लग रहा है।